जय एकलिंगनाथ, जय मेवाड़। सुखदेव सिंह गोगामणि राजपूत समुदाय के मजबूत नेताओं के नाम से जाने जाते हैं। उनकी हत्या होने से पहले वह राजस्थानी संगठन श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे। उन्होंने करनी सेना 2013 में ज्वाइन की थी, तब से अब तक इस संगठन से जुड़े हुए हैं। सुखदेव सिंह गोगामणि का राजपूत समाज में काफी सम्मान है और युवा इनको काफी पसंद करते हैं। 2017 में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक महिला ने सुखदेव सिंह गोगामणि पर बलात्कार और जबरदस्ती करने का आरोप लगाया था। इस दौरान पीड़िता ने सुखदेव सिंह पर अलग अलग जगह पे ले जाकर बलात्कार करने की बात भी कही थी। हालांकि बाद में पुलिस जांच में यह मामला झूठा साबित हुआ था। सुखदेव सिंह गोगामणि शेखावत राजपूत परिवार से जुड़े हुए थे और इसलिए उन्होंने करनी सेना में भाग लिया। उन्होंने राजपूत समुदाय और हिंदू समुदाय से जुड़े कई मुद्दों का समर्थन किया। 2018 में करनी सेना ने फिल्म पद्मावती में राजपूतों के चरित्र का दुरुपयोग के खिलाफ पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। इस फिल्म में जोधाबाई राजपूत का चरित्र गलत दिखाया गया था, जबकि वह एक पारसी नहीं थी। सुखदेव सिंह गोगामणि की नेतृत्व में करनी सेना ने भारत के कई राज्यों में जोधा अकबर के खिलाफ प्रदर्शन किया। करनी सेना के नेतृत्व में सुखदेव सिंह गोगामणि ने अपने संगठन के सदस्यों के साथ कई राज्यों में जोधा अकबर के विरुद्ध आवाज बुलंद की। करनी सेना ने इस फिल्म के खिलाफ आलोचना भी की थी, क्योंकि इसमें राजपूतों का अपमान किया गया था। सुखदेव सिंह गोगामणि ने एकता कपूर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और दिलाया कि वह इसमें किसी भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। इस सीरियल के खिलाफ चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन हुआ था और पुलिस ने जमकर लाठी चार्ज भी किया था। 2018 में सुखदेव सिंह गोगामणि के नेतृत्व में करनी सेना ने फिल्म पद्मावती के खिलाफ तोड़फोड़ भी की। इस फिल्म के विरोध में करनी सेना के करीब 2000 लोगों ने अहमदाबाद के मॉल्स में तोड़फोड़ भी की थी और गाड़ियों को बीच रास्ते फूंक डाला गया। सुखदेव सिंह गोगामणि का परिवार राजस्थान के झुंझुनू जिले के गांव दोमरा में रहने वाले सुखदेव सिंह गोगामणि पिछले कई वर्षों से हनुमानगढ़ जिले में स्थित गोगामणि में रह रहे हैं। यहां तक कि वे अपने उपनाम के रूप में गोगामणि का उपयोग करते थे। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामणि का परिवार कहाँ रहता है, तो हम आपको बता दें कि उनकी शादी शीलागढ़ से हुई है और उनके पास एक बेटा और एक बेटी भी है। सुखदेव सिंह गोगामणि अपने परिवार के साथ जयपुर में श्यामनगर जनपद में रहते थे। वक्त के साथ जख्म तो भर जाएंगे, मगर जो बिछड़े सफर जिंदगी में फिर न कभी लौट कर आएंगे। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां